हम इस वक्त झुंझुनू में हैं और सलाउद्दीन चौकदार फाउंडेशन की तरफ से शहादत को सलाम, करगिल हीरोज को और करगिल के शहीदों की वीरांगनाओं का यहां सम्मान किया गया है और उसमें खास तौर से शिरकत करने के लिए जयपुर से पधारे हैं करगिल के नायक, करगिल योद्धा ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी शेखावत जुलिया सर। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपकी अपनी मातृभूमि पर। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, क्या महसूस करते हैं, क्या उपयोगिता है? आप कह रहे हैं कि करगिल में भी आज प्रोग्राम हो रहा था, उधर आप जा रहे थे, ये आपने जगह चुनी, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद आपका, आज इस कर्म भूमि पर मुझे आने का मौका मिला। MD चौकदार साहब मेरे घर पे पधारे और आपको मालूम है कि एक फौजी जो है वो बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से वो नारियल की तरह एकदम नरम है। उन्होंने एक गुलदस्ता दिया और जो मेरे कदम मेरी रणभूमि की तरफ जा रहे थे, कारगिल की तरफ, आज के लिए वो झुंझुनू की तरफ, मेरी जो जन्मस्थली है शेखावाटी, उस तरफ वो आ गए। क्योंकि सेना ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया, उससे आगे बढ़ते हुए आज आपने कहा कि हमने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी। मोस्टली जो आज की थीम है करगिल, वहाँ भी सब लोगों ने एक होकर भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी और उसने विजय श्री हासिल की। आज का जो दौर चल रहा है विभाजन का, जिस तरह की बात आज मन से हुई, उस पर आप क्या कहना? मैं इस करबला ग्राउंड से शपथ खा करके ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी ताकत, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो, वो हम लोगों को बांट नहीं सकती, हमारे वो दिमाग जो है दूसरे रास्ते पे नहीं चला सकते। हेलो, तो करगिल के नायक हैं, हाँ, और आप रोल मॉडल हैं नई पीढ़ी के लिए, सेना शेखावाटी का, ओके, और जो मार्शल कम्युनिटीज है उनका गौरव रहा है, और अग्निवीर पर पिछले 4 सालों से बड़ी सियासत हुई है जब से ये शुरू हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो ऐसा है, जो मैंने कारगिल की लड़ाई के अंदर 25 साल पहले देखा, उसके अंदर मैंने एक चीज देखी कि एक तो क्या है, जो लीडर है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए और दूसरा जो लीडर और जो उसकी टीम है उसके बीच के अंदर जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की जो सोच है, वो आपको किसी भी टारगेट के ऊपर पहुंचा सकती है। दूसरी बात ये है कि जो लड़ाई है ना, खास तौर पे पैदल सेना की, वो जोश और ये जो पैर है, घुटने हैं, हाथ है, इनके अंदर जो ताकत है ना, जो दूध राबड़ी छाछ हम लोगों ने यहाँ खाई है और पी है, वो काम आती है वहाँ पे। इसलिए क्या है कि ज़्यादा उम्र वाले लोग वो उन खतरनाक इलाके के अंदर वो कामयाब नहीं हो सकते, तो इसी के तहत ये जो अग्निवीर जो योजना है ये निकाली गई है कि हमारे को कल खुदा ना करे अगर पाकिस्तान के खिलाफ या चाइना के खिलाफ अगर लड़ना पड़े तो हम लोगों को यंग ताकत की ज़रूरत है, जो किरणा मानने के लिए तैयार और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार। आप समझो, ये जो अग्निवीर जो योजना है जिसके बारे में एक गलत बात फैलाई गई है, जो मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा क्यों है कि आज फर्ज करो कि फौज में 1000 वैकेंसी है, कितनी? 1000, तो आज भर्ती कितनी हो रही है? 4000, तो 4 साल के बाद वो जो 3000 ज्यादा किए थे, जो मान लो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको आउट कर रहे हैं, लेकिन 4 साल के अंदर वो बंदा जो यहाँ बैठ करके गाँव में बैठ करके कुदकड़े मारता, वो कोई ज़्यादा कोई खास बड़ा काम नहीं कर सकता था, उसने 4 साल नौकरी करी, उसने जो है वहाँ की ट्रेनिंग ली और उसने अलग अलग प्रकार के जगहों का एक्सपीरियंस उसने हासिल किया, अब वो सक्षम हो गया, वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया और साथ ही साथ उसने पैसे भी कमाए। तो क्या है कि जो अच्छे कामयाब कंपटीशन में आगे वो रह जाएंगे और बाकी जो है वो बाहर आएंगे। क्या आपको लगता है अग्निवीर आने से पहले जो जोश था, हाँ, शेखावाटी में, नागौर शिखर, चूरू झुंझुनू में, मोस्ट रूप से, और एक बड़ा रोजगार यहाँ था कुचामन में और इस एरियाज में, शिखर में अकेडमीज बहुत होती थी, बहुत अच्छी, वहाँ सब ताले लग गए, वहाँ होटल बन गए या कुछ और बन गए, तो लोगों का जोश और रुझान इस तरफ कम हुआ है अग्निवीर आने की तरफ से, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसको। वो लोगों के अंदर ये भ्रम फैला दिया गया, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये भ्रम है क्योंकि 1000 वैकेंसी की 4000 ले रहे हैं, तो एकेडमी जो है वो क्या करेगी,
ये भी एक गोरख दंगा ही था। लोग मेरे को बोलते थे कि साहब हम आप हमारे को भर्ती कराओ। मैंने बोला भाई रेस लगाओ आगे निकलो। जैसे हम लोग जो है धोरों के अंदर भागते थे बचपन के अंदर, और हम उड़ते हुए तीतर को जो है तीन उड़ावनी के बाद पकड़ लेते थे उसको। आज कोई है अभी भी पकड़ लेते हो इस उम्र में? बिल्कुल ना पकड़ लेते हो। और अगर मान लो कि हमारे गांव का हो, आज अगर लड़ाई छिड़ेगी ना, हेलो ब्रिगेडियर अजीत सिंह शेखावत को सबसे आगे कहोगे, लोग मेरे पीछे होंगे, मैं आगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ब्रिगेडियर अजीत सिंह शेखावत। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान।